द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम द थीफ स्टोरी चैप्टर नंबर 2 ऑफ द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की समरी लाए हैं। समरी नहीं, मतलब चैप्टर एक्सप्लेनेशन बोलेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला मैं फिर भी चोर था। एंड दो ओनली 15, कितना साल का था जो बच्चा खुद को चोर बता रहा था? 15 ईयर्स का। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस कमा लिया था 15 साल किस चीज़ में? चोरी में। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल क्या देख रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उससे बात करने की कोशिश करी। किसने? उस चोर ने, उस चोर बच्चे ने। ही वॉज अबाउट 25। अनिल कितने साल का था? 25 साल का। टॉल, लंबा, लीन फेलो, पतला आदमी था, ठीक है? एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग और काफ़ी मतलब सीधा साधा लग रहा था। काइंड और बहुत ही दयालु भी था। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, उसका पर्पज़ क्या था? बच्चे का बेवकूफ़ बनाना। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। अब मुझे लगा मैं इसे अपने पे विश्वास मतलब भरोसा करवा सकता हूँ, ठीक है? मैं इसे खुद पे भरोसा करवा सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। और उस बच्चे ने मस्का मक्खन लगाना शुरू करा कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो, अनिल को बोला। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी, मतलब मक्खन लगा रहा था क्योंकि मक्खन लगाने से दोस्त आसानी से बन जाते हैं, उसका मानना यह था उस बच्चे का। सो डू यू, अनिल ने बोला, हाँ तुम भी दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। ये सुनकर मैं थोड़ा सहम गया वो बच्चा, क्योंकि वो एक रेसलर की तरह नहीं दिखता था, ठीक है? बहुत ही पतला था वो, ठीक है? आई डू रेसल बिस्ट, उस बच्चे ने फिर झूठ बोल दिया। हाँ मैं रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने उसका नाम पूछा तो उसने बोला हरी सिंह। झूठ बोल दिया क्योंकि वो किसी को भी असली नाम नहीं बताता था। आई लाइट, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने वो एक नया नाम रख लेता था, ठीक है? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, इससे मैं पुलिस से भी बचा रहता था और जो पुराने एम्प्लॉयज किसने बोल रहा हूँ, जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया करता था, उनसे भी बचा रहता था, पुलिस से भी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद मतलब इस बातचीत के बाद जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा, हाँ मैं ये हूँ, हाँ मेरा नाम ऐसा है, ठीक है? इसके बाद क्या, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने किसके बारे में बात करी? रेसलर्स जिनकी बॉडी में बहुत ऑयल लगा हुआ रहता है, वर्क ग्रंटिंग, जो मतलब चिल्लाते हैं, ठीक है? लिफ्ट करते हैं और एक दूसरे को फेंकते हैं, ठीक है? आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे ज्यादा बोलने को नहीं था, उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था रेसलिंग में, ठीक है? अनिल वॉक्ड अवे, अनिल फिर दूसरी डायरेक्शन में चले गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसके पीछे पीछे गया। हेलो अगेन, उस बच्चे ने बोला हेलो, दोबारा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, उस बच्चे ने अपनी सबसे ब्यूटीफुल स्माइल दी अनिल को, ठीक है? आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, उस बच्चे ने बोला। आई सेड बट आई कैंट पे यू, लेकिन अनिल ने क्या बोला, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, फिर वो बच्चा सोचने लगा, उस बच्चे को लगा क्या पता मैंने अपना शिकार गलत चुन लिया। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू, अनिल ने पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? क्या आप कुकिंग करना जानते हो? आई कैन कुक, उस बच्चे ने फिर से झूठ बोली। हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर उस बच्चे ने क्या पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल ने पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो उसने बोला हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, उस बच्चे ने अनिल से झूठ बोला। तो अनिल ने क्या कहा, हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, एक स्वीट शॉप का नाम लिया गया है जुमना स्वीट शॉप, उसी स्वीट शॉप के ऊपर अनिल का घर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे क्या बोला उसने, हरी सिंह को उसने क्या बोला, तुम बालकनी में सो जाओ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, जो बाहर कुत्ते घूमते रहते हैं वो खाना अनिल ने उन्हें दे दिया, क्यों? क्योंकि खाना बहुत खराब था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग, और अनिल ने क्या बोला, अब तुम बाहर ही रहो, लेकिन मैंने फिर से उसे स्माइल दी और वो पिघल गया, ठीक है? और हंसते हंसते हंसने लग गया अनिल, ठीक है? लेटर कुछ देर बाद अनिल ने उसका सर पे मतलब हाथ फहराया, कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ये अनिल ने बोला उस बच्चे को, बहुत दयालु था। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, अनिल ने उसे उसका नाम लिखना भी सिखाया, और उसने ये भी बोला कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा और नंबर्स को जोड़ना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही मतलब शुक्रगुजार था कि वो मुझे चीजें नई चीजें सिखा रहे थे। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, उस बच्चे ने क्या सोचा, अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैं पा नहीं सकता, मैं सब कुछ पा लूंगा, ठीक है? इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था। मैं सुबह चाय बनाता था उसके लिए, ये हरी सिंह बोल रहा हूँ बच्चा, ठीक है? बहुत अच्छा था उसके लिए, अनिल के लिए काम करना, वो सुबह चाय बनाता था सुबह, और तब डे सप्लाई मतलब जो जो उन्हें खाने के लिए चाहिए था उसे खरीदने में वो टाइम बिताता था वो बच्चा, एक रुपए का प्रॉफिट उसे रोज होता था, ठीक है? आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड इट, उस अनिल को पता था कि ऐसे में मैं बहुत कम पैसा कमा रहा हूँ, एक एक रुपए उस बच्चे के लिए रोज बचता था, लेकिन अनिल इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था।
मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है, मतलब उसकी कोई डेफिनेट इनकम नहीं थी. ठीक है, ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते अनिल क्या करता था, बोरो कर लेता था, मतलब किसी से उधार मांग लेता था पैसे, लेंड द नेक्स्ट, और दूसरे हफ्ते किसी और को उधार दे देता था पैसे. ठीक है, ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. अनिल को किस चीज की चिंता रहती थी, अपने नेक्स्ट चेक की, कि उसका अगला चेक कब आएगा. और जैसे उसका चेक पहुंचता था तो सेलिब्रेट, मतलब खुशी मनाने बैठ जाता था. ही सीम्स टू रोट फॉर मैगजीन्स. अनिल किसके लिए लिखता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था. अक्वायर, क्वायर मतलब स्ट्रेंज, अजीब तरीका है ये, मतलब पैसे कमाने का, मैगजीन्स के लिए लिखना. ठीक है, ठीक है. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट. एक दिन अनिल एक छोटा सा बंडल लाया पैसों का, नोट्स का, अपने साथ. ठीक है, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. अनिल बोल रहा था मैंने एक पब्लिशर को बुक बेची है, किताब बेची है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. और रात को मैंने उसे मनी को मैट्रेस, मैट्रेस मतलब जिस गद्दे पे वो अनिल सोता है उसके नीचे रखते देखा. आई हैव बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. अब एक महीना हो गया था हरी सिंह को अनिल के घर पे. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में 1 रुपए बचाने के अलावा अभी तक उसने कुछ भी नहीं करा था, मतलब चोरी तो करी नहीं थी. और उसके पास हर अपॉर्चुनिटी थी, और जो हरी सिंह है उसके पास मतलब हर वो था, मतलब अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, हर तरीका था, मतलब हर मौका था उसके पास चोरी करने का अनिल के घर में. अनिल ने क्यों, क्योंकि अनिल ने उसे दरवाजे के लिए एक चाबी दे रखी थी कि तुम जब चाहो घर में आओ, जब चाहो चले जाओ. ठीक है, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. हरी सिंह ने क्या बोला, ये पहला इंसान है जो किसी दूसरे इंसान पर इतना ट्रस्ट करता है, इतना भरोसा करता है. ठीक है, और इसलिए इसे इसको लूटना मुश्किल हो रहा है. क्यों, क्योंकि बहुत ही भोला है. अगर ग्रीडी आदमी होता तो वो ये अफोर्ड कर सकता है कि चलो थोड़ा लुटवाया जाए, क्योंकि ग्रीडी आदमी को लूटना मुश्किल होता है. लेकिन उसी में हरी सिंह को मजा आता है. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन. लेकिन एक केयरलेस आदमी, मतलब जिसे अपने सामान की होश ही ना हो, ऐसा आदमी था, मतलब किसी भी चीज का ध्यान नहीं देता था, ऐसा आदमी को रॉब करने में मजा नहीं आता है. ठीक है, जो मतलब ग्रीडी आदमी को रॉब करने में हरी सिंह को मजा आता था. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. लेकिन अब समय आ चुका था कि मैं कुछ असली काम करूं. असली काम मतलब चोरी. आई टोल्ड माई सेल्फ. हरी सिंह ने खुद ही को क्या बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. अब मेरी प्रैक्टिस जा चुकी है. ठीक है, इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं ले जाऊंगा तो ये अपने दोस्तों पर इन पैसों को वेस्ट कर देगा सेलिब्रेशन करने में, और ये मुझे पे भी नहीं कर रहा है, मतलब मुझे पैसे भी पे नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये बोला उसने. अनिल वॉज अस्लीप. अनिल सो चुका था. अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. मतलब जो मून लाइट है, मतलब जो चांद की रोशनी है, वो बालकनी से अंदर आ रही थी और बेड पर पड़ी थी, अनिल के बेड पर. आई सैट अप ऑन द फ्लोर. मैं जमीन पर बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन, कुछ सोच रहा था वो हरी सिंह. इफ आई टुक द मनी, अगर मैं मनी लेता हूं तो मैं 10:30 पे जो लखनऊ एक्सप्रेस आती है, मतलब जो ट्रेन जाती है लखनऊ को, उसे पकड़ लूंगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. फिर जब वो लेटे लेटे ये वो सोच रहा था, जब फिर वो ब्लैंकेट से बाहर निकला, इस थॉट को एक्शन बनाने चला, बेड पे उठा. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. अनिल का फेस कैसा था, साफ था बिल्कुल, जबकि उस बच्चे के चेहरे पर स्कार्स थे, मार्क्स थे. ठीक है, आई माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस. उस बच्चे ने क्या करा, अनिल के मैट्रेस के नीचे हाथ डाला पैसे ढूंढने के लिए. वेन फाउंड देम, जैसे ही उसे पैसे मिले, मैंने उन पैसों को हल्के से बिना कोई आवाज करे निकाला, उस बच्चे ने. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. और अनिल थोड़ा सा उसकी तरफ मुड़ गया तो डर गया और रूम से बाहर भाग गया. वन आई वॉज ऑन द रोड, पैसे लेकर जब वो रोड पर था तो उसने भागना शुरू कर दिया उस बच्चे ने. और नोट्स उसने कहा अपनी कमर पर बांध लिए थे, ठीक है, अपनी पजामास की स्ट्रिंग से. आई स्लो डाउन टू अ वॉक. फिर वो हल्के हल्के धीरे चलने लगा, जैसे वो अनिल के घर से दूर आए, और 600 रुपीज काउंट करे. ठीक है, सारे 50 के नोट से. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. और उसे पता था कि वो एक अमीर आदमी की जिंदगी जी सकता है इन पैसों से, 600 रुपए से एक हफ्ते के लिए, मतलब 7 दिन के लिए. When I reach, जब हरी सिंह पहुंचा कहां स्टेशन, I did not stop at the ticket office. वो कभी भी टिकट ऑफिस पे नहीं रुकता था, क्योंकि वो कभी टिकट खरीदी नहीं उसने अपनी जिंदगी में, सीधा प्लेटफॉर्म पर चलता था. लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. जैसी लखनऊ एक्सप्रेस जाने वाली थी, ट्रेन हैड स्टिल टू पिक. ट्रेन अभी भी स्पीड पकड़ ही रही थी. आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेस. और वो हरी सिंह चढ़ भी सकता था, लेकिन उसे उसके मन में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, मतलब वो रुक गया, उसके कदम मतलब आगे नहीं बढ़ पाए. फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन. वो रीजन नहीं बता सकता कि वो क्यों रुक गया, और भागने का मौका उसने अपने हाथों से गवा दिया. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी तो वो अकेला खड़ा था. कहां पर, प्लेटफॉर्म पर. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मुझे ये भी नहीं पता था कि अब मैं रात कहां गुजारूंगा. ना तो मेरे कोई दोस्त थे, क्योंकि उसे लगता था हरी सिंह को कि दोस्त जो है मुसीबत होते हैं मदद से ज्यादा. ठीक है, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस. और मैं जो छोटे होटल से स्टेशन के पास, वहां रहकर वहां भी नहीं रहना चाहता था, क्योंकि लोग सोचते कि एक बच्चा अकेला क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, इसका खर्चा कौन उठा रहा है. तो वो शक के दायरे में नहीं आना चाहता था,
इसलिए वो वहां भी नहीं रुक सकता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड. एक ही आदमी को अच्छे से जानता था, वो था अनिल, जिसको उसने अभी लूटा था. ठीक है, लीविंग द स्टेशन, जैसे ही उसने स्टेशन छोड़ा, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार में चल रहा था वो. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीव, अभी उस बच्चे का बहुत ही छोटा करियर रहा है रॉबिंग में, मतलब चोरी करने में. ठीक है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, तो उसने आदमियों के चेहरों की स्टडी कर रखी थी जब वो अपनी चीजें खो देते, मतलब जब भी उनकी चीजें चुरा देता था. द ग्रीडी मैन, जो लालची आदमी होता है उसके चेहरे पर डर होता है अपनी चीज को निकाल, जो रिच आदमी होता है उसके चेहरे पर गुस्सा होता है अपनी चीज को निकाल, जो गरीब आदमी होता है वो मतलब मान लेता है चलो चोरी हो गया तो हो गया. लेकिन मुझे पता था कि अनिल का जो चेहरा है, जब वो ये डिस्कवर करता कि उसको लूट लिया गया, जब अनिल को पता चलता कि उसके घर में चोरी की गई है और वो हरी सिंह ने करी है, तो अनिल के चेहरे पर केवल उदासी होगी. उदासी इसलिए नहीं कि उसका पैसा लूट गया, उदासी इसलिए होगी कि उसका भरोसा तोड़ा गया. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान. अब वो कहाँ था बच्चा, हरी सिंह मैदान में था और बेंच पर बैठ गया. जो रात बहुत ही ठंडी थी, नवंबर का महीना था और बारिश भी होना शुरू हो गई. ठीक है, अब उस बच्चे को और तकलीफ होनी थी, पहले तो ठंड का मौसम था और बारिश भी होना शुरू हो गई. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, बहुत तेज से बारिश होने लगी और उसकी शर्ट और पजामा जो है उसकी स्किन पर चिपक गए थे, क्यों, बारिश की वजह से. और ठंडी हवाएं भी चलने लगी, ठीक है, जो उसके चेहरे पर पानी फेंक रही थी, मतलब बारिश का पानी उसके चेहरे पर उड़कर आ रहा था. ठीक है, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया और sat डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. जो क्लॉक टावर है उसका एक शेल्टर टाइप का बना था, वहां बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, आधी रातों की चीज, मतलब 12 बज चुके थे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, उसने नोट्स को छूने की कोशिश करी और नोट्स थे थोड़े गीले हो गए थे बारिश की वजह से. अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees. अनिल सुबह उसे 2 या 3 rupees दे देता सिनेमा में जाने के, लेकिन अब उसके पास पूरा 600 rupees था. अब मैं उसकी मील्स नहीं बना सकता, उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, बाजार नहीं जा सकता था, या फिर लिखना नहीं सीख सकता था, पूरे सेंटेंसेस. और चोरी करने की एक्साइटमेंट में वो ये सारी चीज़ें भूल गया था. ठीक है, होल सेंटेंसेस, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees. और अगर वो पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाता तो 600 rupees से ज़्यादा कमा सकता था, अगर वो पढ़ा लिखा आदमी बन जाता. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान होता है, लेकिन हाँ, और पकड़ा जाना भी उतना ही आसान होता है. ठीक है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी जिसकी मतलब इज्जत हो सोसाइटी में, उसकी बात ही कुछ और होती है. ठीक है, अब वो ये चीज़ें सोच रहा है. आई शुड गो बैक टू अनिल, उसने क्या सोचा, मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए. ठीक है, चाहे मैं उसके पास पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए ही जाऊं, लेकिन मुझे वापस जाना चाहिए. आई हैरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. अब उसे बहुत ही नर्वस लग रहा था, क्यों, क्योंकि उसने चोरी करी थी, क्या पता अनिल लुट चुका हो, क्या पता उसने नोटिस कर लिया हो कि उसके घर से उसके पैसे गायब हैं, तो क्या करेगा वो हरी सिंह के साथ. तो ये बात सोचकर वो नर्वस था. फॉर इट इज, क्योंकि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन किसी की चीज़ अनडिफेक्टेड, मतलब बिना उसकी चीज़ को नुकसान पहुंचाए वापस लौटाना बहुत मुश्किल है. अब उसे ये बात रियलाइज हुई. आई ओपन द डोर क्वाइटली, उसने डोर चुपचाप से खोला. इन द क्लाउडेड मूनलाइट, अभी भी रोशनी आ रही थी चांद की, अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड एंड आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. फिर उसने क्या करा, उसके हाथ पर अनिल जो है मतलब सांस ले रहा था, वो उसके मैट्रेस के पास गया ना पैसे रखने, तो फिर उसने हल्के से, जब अनिल की सांस उसके हाथ से हटी, तो फिर उसने हल्के से मैट्रेस की एज, मतलब कोना होता है जो मैट्रेस का, जैसे बुक का कोना ही है, मैट्रेस के कोने पे नोट्स रख दिए. आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि रात को उसने इतनी भाग दौड़ी करी तो वो ऑब्वियसली सुबह देर से उठा, और अनिल ने पहले से उसके लिए चाय बना ली थी. अनिल ने अपना हाथ उसकी तरफ आगे करा और 50 rupees का नोट उसके हाथ में थमा दिया. वो डर गया, वो बच्चा, उसको लगा पकड़े गया मैं तो. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसे लगा मैं पकड़े गया. आई मेड सम मनी यस्टरडे, अनिल ने क्या बोला, मैंने कुछ पैसा बनाया था कल, मुझे कुछ पैसे मिले कल, अब तुम्हें मैं रोज पैसे दे सकता हूँ. माई स्पिरिट सोर्स, अब वो खुश हो गया हरी सिंह. बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब उसने वो नोट लिया तो उसने देखा कि वो नोट अभी भी गीला था, किसकी, रात की बारिश से. आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे, फिर अनिल ने बोला. ही न्यू, अनिल को पता चल चुका था, लेकिन अनिल की ना आंखों ने वो जवाब दिया, ना अनिल ने उसे पता चलने दिया कि अनिल को सब पता है. फिर क्या करा, उस बच्चे ने अनिल को स्माइल दी, और वो स्माइल बिना किसी एफर्ट के आ गई. क्यों स्माइल क्यों आ गई, अनिल की अच्छाई देखकर. तो इस स्टोरी में इतना ही. थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो.